सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है सीमा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीमा ब्लॉग्स में, जोहार वैली मुनस्यारी के इस खूबसूरत से क्षेत्र से। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, नई सुबह में नए सवेरे के साथ आज फिर से नई ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से और मेरे घर से। तो दगड़ियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज है भाई दूज, तो आप सभी को भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जस्ट अभी मैं नहा के अंदर आई हूँ और अभी धूप गया है नहाने के लिए, बाकी और लोगों के लिए पानी बाहर पे गर्म हो रहा है। मौसम की बात किया जाए तो दोस्तों, आज का मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है, खिली खिली धूप आई है और घर पे अभी चल रही है भाई दूज की तैयारी। तो अभी मैं सोच रही कि मैं पूजा वगैरह कर लूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया, 9 बज चुके हैं। तो पूजा वूजा वैसे सुबह हो तो अच्छा लगता है, तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर में। पहले तो मैं पूजा वगैरह करती हूँ, फिर रेडी वगैरह होंगी, फिर करेंगे भाई दूज। अभी छोटा भैया तो नहा रहा है और बड़ा भाई अभी आया नहीं है, तो बड़ा भाई आएगा नहाएगा तो काफी टाइम लग जाएगा। तो पहले तो मैं फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, ठीक है। दोस्तों, पूजा पाठ भी हो चुका है और आप लोग सोच रहे होंगे कि पूजा वगैरह करके टीका नहीं लगाया है। तो दोस्तों, अभी मैं सोच रही हूँ पहले रेडी हो जाऊँ, अगर मैं पहले टीका लगाती तो मुझे मुंह धोना पड़ता रेडी होने के लिए और टीका धोना अच्छा नहीं लगता है। तो एक बार मैं रेडी हो जाती हूँ उसके बाद ही मैं टीका लगाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं रेडी वगैरह भी हो चुकी हूँ और टीका वगैरह भी मैंने लगा दिया है बड़ा सा। और बाकी मेरा बड़ा भाई अभी पहुंचा है ही नहीं घर पे और टाइम अभी हो रहा है 10:30। बड़े भाई का कोई अता पता नहीं है, पता नहीं मार्केट गया था सुबह और तब से आया ही नहीं है घर पे। फ़ोन भी करे तो फ़ोन नहीं लग रहा है। बाकी मुझे अभी तैयारी करनी है भाई दूज के लिए, जो भी चाहिए होता है पूजा के लिए वो तैयारी करनी है, उस चीज़ को कलेक्ट करना है, सभी एक साथ रख रहे हैं तो मैं वो कर लेती हूँ, ठीक है। और बाकी दोस्तों, आज मैंने क्या पहना है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो दगड़ियों, ये है आज का मेरा आउटफिट। आज मैंने पटियाला सूट पहना हुआ है जो पूरा पिंक कलर का है और ठंडे के वजह से मैंने यहाँ पे स्वेटर भी डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं, ये है आज का मेरा पूरा आउटफिट। तो दगड़ियों, अभी भी मेरा बड़ा भाई नहीं पहुंचा है घर पे और टाइम भी 11:30 हो चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ध्रुव का कर लूँ पूजा क्योंकि काफी टाइम हो चुका है और वो जब आएगा उसका तभी करेंगे। पहले अभी यहाँ पे ध्रुव है तो ध्रुव की पूजा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्रुव बैठ चुका है। ध्रुव हाय तो बोल दे भाई। हाय भाई दूज की बधाई तो दे दे। हैप्पी भैया दूज सभी को। इतना शर्माता है। जैसे ध्रुव की पूजा की उसके बाद यहाँ पे हमारे भैया सुंदर दादी पहुंच चुके हैं। हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया। आपको भाई दूज की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत Thank you.
लिए माही यसु का कर दे रही है, क्योंकि यसु की कोई बहन नहीं है ना, तो माही कर दे रही है। यसु बोला कि मेरा भी कर दो, मेरा भी कर दो, तो इस वजह से माही अभी यसु की पूजा कर रही है। अभी पूजा पाठ हो चुका है और बाकी जो बड़े भैया हैं उनकी पूजा नहीं हुई थी, तो अभी मुझे पता चला कि भैया गए हैं गाड़ी लेके। आपको मैंने बताया था कि हमारी पैसेंजर वाली गाड़ी है, तो भैया अभी गाड़ी लेके कहीं गए हैं पूजा वगैरह में, तो उनको शायद टाइम ही लगेगा, तो वो शाम को ही उनकी पूजा करेंगे हम लोग जब वो आएंगे। तो अभी पूजा पाठ हमने कर लिया है, अब करते हैं अपनी पेट की पूजा, क्योंकि सुबह से भूखी थी तो भूख बहुत ज़्यादा लग गया, तो अभी मैं करती हूँ थोड़ा पेट पूजा, ठीक छू, फिर काम दूजा करती। तो गाइज यहाँ पर मैंने अभी कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं, गर्म वाले कपड़े पहन लिए हैं, और दीदी भी पहुंच चुकी है इतने लेट पे। दीदी आज बहुत लेट पे आई है, तो अभी दीदी भी करेगी भाई लोग का पूजा। चलिए तो करियो, दिन में से आपको सीधे अभी शाम को मिलना हो रहा है। दिन में दीदी के जाने के बाद मैंने कपड़े वगैरह धोए, क्योंकि आज सब लोग नहाए थे तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने कहा कि आज का काम आज ही निपटा लूँ, क्योंकि आजकल जाड़ों में ना मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है, अगर बर्फ़ वर्फ़ पड़ेगी तो फिर धोने में भी दिक्कत रहती है, ठंड भी ज़्यादा लगती है, तो मैंने कहा कि अभी धो देती हूँ, क्योंकि आज धूप भी बहुत अच्छी आई थी, तो उस चक्कर में मैं बिज़ी हो गई थी। और अभी मैं आपको शाम को मिल रही हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 5:30 और बाहर पर अंधेरा भी होने लग चुका है। मम्मी जलाने लग गई है हमारी पहाड़ी रसोई में आग, अब शाम की तैयारी भी करेंगे थोड़ी देर में, खाना वाना यहीं पे बनता है पहाड़ी रसोई में, बाकी मौसम कुछ ऐसा है अभी का। यहाँ पे माही भी कढ़ाई में भात गरम करके खा रही है, और ना बचपन में ना राई के साग के साथ कढ़ाई में भात गरम करके खाना इतना अच्छा लगता था, मुझे क्या ही बताऊँ, अब तो मैं नहीं खाती हूँ। बचपन में हम लोग दोस्तों जिस कढ़ाई में राई बनती थी शाम को उस कढ़ाई में भात गरम करते थे, और ना कढ़ाई में बहुत ज़्यादा भात को चिपकाते थे ताकि वो खाने में टेस्टी लगे, और उस चुपके भात को हम लोग क्विटर बोलते थे, तो क्विटर खाने में बहुत मजा आता था। माही कैसा लग रहा तुझे? बहुत अच्छा, मेरे दिन में नहीं खाया तो मैं भी खा रही हूँ। हाँ, और क्विटर खाने में मजा आता नहीं आता? बहुत मजा। बाकी दोस्तों आज मैंने टोपी भी ओढ़ ली है, क्योंकि ना मेरे को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है और मेरे गले में भी दर्द है, तो इस वजह से मैंने टोपा ओढ़ लिया है, और ये टोपा भी मेरा नहीं है, यसु का है, तो यसु का टोपा और रखा है। तो चलिए दोस्तों रात का खाना भी खा लिया है, और खाना वगैरह खा के आ चुकी हूँ मैं अपने रूम पे। और दोस्तों आज के ही दिन मेरे साथ बहुत बड़ा कांड हुआ था पिछले साल, और वो कांड क्या हुआ था वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो दगड़ियों पिछले बार भाई दूज के दिन हमारे पुरब्याल मंदिर में पूजा था, पूजा तो क्या था नॉर्थ था, तो नॉर्थ के दिन मंदिर पे सामान वगैरह पहुंचा रहे थे हम लोग दुकान से, तो उसी बीच गलती से मेरे हाथ से फ़ोन नीचे गिरा और जाकर पत्थर पे गिरा, और पत्थर में जाके गिरने से जो मेरा फ़ोन का कैमरा है वही टूटा था। मुझे फ़ोन लिए 2 महीने भी नहीं हो रहे थे, और उस दिन मेरा फ़ोन गिरा मेरे हाथ से अचानक से, और मेरा फ़ोन का कैमरा टूट गया था, तो उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था और मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो आज पूरा 1 साल हो गए हैं मेरे फ़ोन के कैमरे को टूटे हुए, वैसे मैंने बना तो लिया है लेकिन जो फ़ोन की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, ब्लॉगिंग के चक्कर से ही मैंने ये नया फ़ोन लिया था, और ये दोस्तों क्या हुआ मेरे साथ, तो बहुत बुरा लगा। तो आज भाई दूज था तो सुबह से मुझे ध्यान नहीं आया, अभी मैं ऐसी देख रही थी पुराने फोटोज भाई दूज के, तब जाके मुझे याद आया कि हाँ ये ऐसा मेरे साथ हुआ करके। तो चलिए दोस्तों आज के इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आए, अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं सीमा मिलती हूँ आपको एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट एंड शुभरात्रि।